वेलकम टू माँ का खाना। आज हम बना रहे हैं ठंडई। इसे बनाने में 25 मिनट लगता है। इसे हम स्टोर करके फ्रिज में एक महीने के लिए रख भी सकते हैं। ये काफ़ी स्वादिष्ट होता है और हेल्दी भी है। आप बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए बना लेते हैं ठंडई। आज हम बना रहे हैं ठंडई। उसके लिए हमने 4 चम्मच बादाम लिया है, 2 चम्मच हमने पिस्ता लिया है, 2 पिंच हमने केसर लिया है, 1 चम्मच हमने खसखस लिया है, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच चार मगज, 2 चम्मच हमने काजू लिया है, 2 चम्मच हमने गुलकंद लिया है और 1.5 कप हमने चीनी लिया है। ये सारी चीज़ें हमने रात को ही भिगो के रख दिया था। रात को हमने ये सारी चीज़ें भिगो के रख दिया था। अब हम चीनी को पानी में बॉईल करने के लिए रखते हैं। इसके बाद फिर हम इसे पीस लेंगे। हम चीनी डाल रहे हैं कढ़ाई में और हम इसमें 1 गिलास पानी हम डालेंगे। गैस स्लो कर कर हम इसे पानी को बॉईल कर लेते हैं, जब तक हम सारे चीज़ें पीस लेते हैं। ये हमने पीस लिया है बारीक। अब हम पानी देख लेते हैं कितना बॉईल हुआ है। अभी चीनी पूरा गला नहीं है। अब हम गैस फास्ट कर देते हैं, पानी अच्छे से बॉईल हो जाए, फिर हम पीसा हुआ सारे मसाले इसमें हम डाल देंगे। हमने रात को भिगोते समय उसमें हमने 2 चुटकी केसर भी डाला था और अभी और भी हमने केसर रखा है, 2 चुटकी हम ऊपर से डालेंगे। पानी अच्छा से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। अभी थोड़े देर हम गैस फास्ट ही रखेंगे। अच्छा से हम इसे पकाएंगे काफ़ी देर तक। अभी हमने गैस फास्ट ही रखा है और हम थोड़ा चलाते ही रहेंगे, वरना नीचे पकड़ने का डर है। अब हम इसमें गुलकंद भी डाल देंगे। अब हम इसमें केसर भी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे अब हम इसमें अच्छी तरह से। अभी हम गैस फास्ट करके ही बनाएंगे और हम चलाते रहेंगे, वरना बाहर आ जाएगा। ये बहुत ही बॉईल होते समय एकदम नीचे गिरने लगता है, इसलिए हम बीच में स्लो करेंगे, फास्ट करेंगे, स्लो करेंगे, फास्ट करेंगे, इस तरह से हम इसे पकाएंगे, वरना बॉईल होके नीचे गिर जाएगा। देखिए इस तरह बॉईल हो रहा है। ये काफ़ी स्वादिष्ट बनता है, घर पे आप बनाइए, बाजार से भी अच्छा लगता है पीने में। ये काफ़ी पौष्टिक भी है। कलर देखिए, केसर की वजह से कलर कितना सुंदर आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी थोड़ा और हम पकाएंगे, फिर हम गैस बंद कर देंगे। देखिए अब बन चुका है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे हम निकाल लेंगे। ठंडई हमारा बन के तैयार है। अब हम इसे दूध में मिलाएंगे थोड़ा सा और बाकी हम कांच के बॉटल में भर के फ्रिज में हम रख देंगे। अभी हम दूध में थोड़ा सा मिलाते हैं। हमने 1 गिलास दूध लिया है और थोड़ा आधा कलछुल हमने ठंडई लिया है। इस तरह से हमें मिक्स करके बनाना है ठंडई। ठंडई हमारा बनके तैयार है। इसमें हमें ठंडा चाहिए तो हम इसमें बर्फ़ डाल सकते हैं, नहीं ठंडा चाहिए तो हम इस तरह भी इसे
पी सकते हैं। ठंडाई हमारा बनके तैयार है, आप भी बनाइए, आप भी पीजिए, बहुत पसंद आएगा आपको। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।